मुस्कान क्या कर रही हो? पपीते ता रहा हूँ। असलम देखो गाइस, अभी तक हम खा रहे हैं बर्फबारी। ये मेरा भाई है, ये बर्फबारी हो रही है और पपीते ता जा रहे हैं घर जा रहे हैं। मेरी बहन ने जो है वो एक वो पपीता हमें नजर आया है जो सही है, तो मेरी बहन जो है उसको उतारने की कोशिश करी है। तो गिर जाए, ये गिर जाएगा मुस्कान, ये गिर जाएगा। गिरा रहा हूँ ना। अच्छा चलो मुस्कान, मुस्कान चलो हमने पपीता उतार लिया। बात करो मुस्कान, ये अच्छा गाइस, तो अभी ये जब उतर जाएंगे उसके बाद हम इनको दोबारा से पानी लगाएंगे और दोबारा से पपीते लग जाएंगे वहाँ पे। प्रोनिंग के बाद है ये पौधा बिल्कुल जो है वो अभी भी फल देना शुरू हो गया है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो ये जो है बहुत जल्दी इसका जो है वो फ्रूट पक रहा है और साइज़ यू कैन सी। तो अभी जो हमारे बाग में खाने की चीज़ें हैं उसमें हमारे पास ये शहतूत है, लोकाट है, पपीता है और बाकी जो फ्रूट है वो अभी पका नहीं है। अंजीर बहुत जल्दी लग जाएंगे तकरीबन 1-1.5 मंथ में। तो बाकी ये चीज़ें जी जो मैं लेके जा रही हूँ, पपीता मैंने घर छोड़ा ही हूँ और तो बाकी चीज़ें मैं भी लेके आई हूँ और बारी की करते हैं तैयारी। सो गाइस ये है वो शहतूत। अच्छा इसकी प्रोनिंग की थी और अभी जो है वो इस पर मैं आपको फ्रूट दिखा रही हूँ। ये गिर रहा है फ्रूट, ये देखा है। अच्छा इसका ये साइज़ है और ये मैंने चुने, गिर गया एक, और ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत ही ये लंबे लंबे से हैं और आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप के शहतूत हैं। ठीक है, मैं तो आपको बताती रहती हूँ और आज आपकी बारी है। और ये देखें, लुक एट दिस, मुझे लेके जा रही हूँ। ये हमारा कचनार और ये हमारे सोएस बैंग अपने गार्डन में। तो यहाँ पर लोकाट थे तो जो जो लोकाट पक चुके थे वो मैंने जो है उतार लिए। दिखाने की चीज़ ये थी कि हमारे इस लोकाट का आप साइज़ देखें, ये देखें, और ये इसका फाइनल साइज़ ऐसे बड़ा हो सकता है। उतार लिए मैंने, ये देखें, ये सारा ये लोकाट है, ये देखें। और ये थे शहतूत जो कि ये भी मैं उतार के ले आई हूँ। और पौधा जो है वो मैंने आपको जो कटिंग्स दिखाई थी ये वो वाला शहतूत है और इसका साइज़ जो है यू कैन सी कि कितना बड़ा साइज़ है इस शहतूत का। और अभी बस मैं ये दो चीज़ें लेके आई हूँ और पपीता लेके गई हूँ, तो मैंने कहा जी आपको मैं ज़रा ये दिखा दूँ।